हस्तिनापुर की पावन धरा पर स्थित कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर में विश्व की सुख शांति समृद्धि के लिए 48 दिवसीय भक्तामर विधान एवं पाठ के 10वें दिन सर्वप्रथम विधानाचार्य सुदीप शास्त्री ने मांगलिक मंत्रों से क्रियाओं का शुभारंभ किया। सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य श्री हरीश चंद्र जैन अनुज जैन गाजियाबाद को प्राप्त हुआ। प्रभु जी की लीला है न्यारी न्यारी, प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी। स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य जितेंद्र जैन आराध्य जैन गाजियाबाद को प्राप्त हुआ। श्रीमती पै पवित्र जले निनवी। इस मुद्रा के जैसे कि जिन देव दर्शन करण से निज देव दर्शन होते हैं, मेरे अंदर भी वही देवता विराजमान है, लेकिन ये इतने शांतिमय सौम्य बीत रागमय आनंद की हिलोरों में है, लेकिन हम कर्म रूपी काली माओं के कारण बिल्कुल हर क्षण आकुलता से व्याप्त है। ऐसा क्या कारण है कि हम शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं? तो प्रभु की ओर से इशारा होता है कि तुम भी मैं से जैसे, एक दिन हम भी आपके जैसे थे, लेकिन हमने गुरु मुख से देशना लब्धि को ग्रहण किया, अविनश्वर और विनश्वर में भेद विज्ञान को प्राप्त किया और भवन को छोड़ करके वन की ओर निकल पड़े, और वन में भी तन से ममत्व छोड़ करके चेतन से मैं लीन हो गए, तभी ये परिणति हुई है। यदि आपको भी ऐसी ही शांति का आनंद लेना है अनंतानंत काल तक के लिए अपने में विराजमान होना है, तो तुम्हें भी इन सब बाहरी आंखों से दिखाई देने वाले जो भी पदार्थ हैं, उनसे ममत्व लगाव को छोड़ना पड़ेगा, तभी ये आत्मिक आनंद आए पाएगा। ऐसी भावना के साथ में उस आनंद में बाधक कर्म कालीमा के, उस कालीमा को धोने के लिए ही भगवान ये शांति धारा कर रहे हैं। तो आज के सौभाग्यशाली पात्रों में गाजियाबाद से यहाँ पर अपनी उस कालीमा को धोने के लिए आए हुए हैं श्रीमान हरिश्चंद जी, अनुज जैन, जितेंद्र जैन एवं श्री मनीषा सची जैन आराध्य जैन ने शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। घाती कर्म विनाटनाय अघाती कर्म विनाटनाय श्री हरिश्चंद जी, अनुज जैन, जितेंद्र जैन आराध्य जैन मनीषा जैन सची जैन एवं उपस्थित इंद्र परिवार से, इंद्राणी परिवार से मनोरमा जैन एवं श्री सुमत प्रसाद जी एवं श्री निहम जैन आदि इंद्र परिवार इंद्राणी परिवार से अपवायम अस्माकं मृत्युम् क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुवयं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले दीपक का प्रज्वलन मनीषा शचि जैन गाजियाबाद, मनोरमा जैन भोगल दिल्ली ने किया। घुंगरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे।
हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे, हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। घुंगरू छम चमा चम छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे, घुंगरू छम चमा चम छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे। आरती के बाद भक्तामर विधान का शुभारंभ हुआ, जिसमें विधान कराने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के उज्जवल भविष्य के लिए 48 अर्घ चढ़ाए गए। इस दिन 101 परिवारों की ओर से विधान का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्रीमती शिमलेश जैन, श्री अजीत जैन, गीतांजलि जैन, राहुल जैन, विवान जैन, टिमारा जैन दिल्ली, श्रीमती ललिता जैन, श्री राजीव जैन, काव्या, पार्श, ऋषित जैन उत्तम नगर दिल्ली, श्री वीरेंद्र जैन, इंदिरा जैन, अमित जैन, सरला जैन, अमन जैन, चांदनी जैन, आशीष जैन परकोटा, सागर मध्य प्रदेश को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रथम वलय मध्ये कुणार्घमिमामिति स्वाहा। हृदयस्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्र द्वितीय वलय मध्ये कुणार्घम निर्वपामिति स्वाहा। तुमने गीता रा कि तुमरे विनय हमेरा कानिया का, कि तुमरे विनय हमेरा कानिया का। भक्तामर पाठ का शुभारंभ श्रीमती हेमलता जैन, सतेंद्र कुमार जैन फरीदाबाद ने संस्कृत भाषा में किया। इसी बीच अनेक प्रांतों से पधारे हुए यात्री भाई एवं मनोरमा जैन, निगम जैन दिल्ली, मनीषा जैन गाजियाबाद, सुमत प्रसाद जैन एवं आकांक्षा, अनुष्का आदि, आशी, दिया, चानू, रियांश, श्रेयन जैन समस्त फैंसी ज्वेलर्स परिवार परकोटा, सागर मध्य प्रदेश ने पाठ का वाचन किया। आज तक 6000 परिवार इस भक्तांबर विधान से जुड़ चुके हैं। सभी परिवारों के प्रति मंगल भावना भाते हुए कि ये भक्तांबर माला भगवान भक्ति से जो गाता है, मान तुंग मुनि राज कहे वो स्वर्ग मोक्ष को पाता है, ऐसी मंगल भावना के साथ में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरघम श्री वृषभनाथ तीर्थंकर पंच कल्याणक संयुक्ताय शिवपद कर्ता भोजल निधि पोता सर्व विघ्न व्याधि घर्ता मनोवांछित फलार्थम तो भक्ति प्रसादात मम कल्याणमस्तो सदास्तु दीर्घायुरस्तो सदास्तु शुभमस्तु सदास्तु सुकीर्तिरस्तु सदास्तु सद्बुद्धिरस्तु सदास्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु सदास्तु आरोग्यमस्तु सदास्तु आरोग्यमस्तु सदास्तु आरोग्यमस्तु सदास्तु विजयोस्तु सदास्तु सर्वरिद्धि सिद्धि भवतु रक्ष रक्ष
स्वाहा। आज यहाँ पर कैलाश मंदिर में आकर भक्तांबर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही शांति धारा की बोली लेकर शांति धारा भी करके मन को परम शांति का अनुभव हुआ। नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो अरियाड़म, नमो वजाड़म, नमो लोय सवे सवे सावणम। आज मैंने भी शांति धारा करी, बहुत अच्छा लगा। आज हमें भक्तांबर विधान करके बहुत अच्छा लगा। हमने आज का विधान करवाया था और बहुत अच्छा लग रहा है आज। ये भक्तांबर विधान बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा है। हमें सबको ये करा के और बहुत सबको मन को शांति मिलती है। हम हर बार हर साल आते हैं, जितना भी होता है उतना करा के चले जाते। कि यहाँ पर आदिनाथ भगवान के सामने इससे पूर्व कई अतिशय हुए हैं, जो आप लोगों को जिनवाणी के माध्यम से भी जानकारी हुई होगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसी पावन धरती पर आकर अवश्य आप आकर के विधान कराएं, आदाय देव आदि भगवान के दर्शन करें, पुण्य का संचय करें। विधान के मध्य विनोद एंड म्यूजिक पार्टी की मधुर लहरी पर सुभाष चंद्र जैन प्रचारक ने भजन प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। विधान का विसर्जन श्री सलिल जैन देहरादून ने किया। पंच परमेष्ठी की आरती का दीप प्रज्वलन सुमति प्रकाश जैन गुरुकुल हस्तिनापुर ने किया। घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे। घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे। हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे। आदिनाथ भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन सुनीता दीदी व चंदन भैया ने किया। नाभि राय के लाडले मरु देवी के लाल। नाभि राय के लाडले मरु देवी के लाल। आए जग में आदि प्रभु नाचे बाल गोपाल। आए जग में आदि प्रभु नाचे बाल गोपाल। चौबीसों भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन गुरुकुल के बच्चों द्वारा किया गया। छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे। ओ आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। ओ आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे। पांच चीजें हैं, अगर इन पांच चीजों को जोड़ लो तो मोक्ष का मार्ग निश्चित है। सबसे पहली है वस्तु। अगर वस्तु के प्रति अपनी आसक्ति कम हो जाए, आज का मानव हर चीज जोड़ने में लगा है। एक मुनि महाराज जी ने एक स्त्री से प्रश्न किया भी तुम्हारा परिग्रह परिमाण है, तो महिला ने पूछा महाराज जी ये क्या होता है, तो महाराज जी ने उसे सरल शब्दों में पूछा तुम्हारे पास कितनी साड़ी हैं? उसने बोला मेरे पास 50 साड़ी हैं। तो महाराज जी ने एक अच्छी बात बोली, बोले 50 काफी हैं? बोले हां 50 काफी हैं। तो ऐसा करो 3 साल के लिए साड़ी नहीं लेने का त्याग कर दो। तो क्या बोली महिला, नहीं महाराज जी खाना पीना छुड़वा दो पर साड़ी का त्याग नहीं करूंगी। यह है वस्तु के प्रति अपनी आसक्ति। दूसरा है वसु। वसु अर्थात धन। आज हर कोई धन जोड़ने में लगा है। मानते हैं भी जीवन यापन के लिए धन आवश्यक है, पर धन को संचय जोड़ जोड़ कर रखना भी कहां तक आवश्यक है। तीसरा है
विषय, अपनी विषयों के प्रति आसक्ति कम होगी तो भी मोक्ष का साधन, मोक्ष का रास्ता प्रशस्त होगा। पांचवा है, चौथा है व्यक्ति। जब तुम्हें एकांत में रहने की आदत पड़ जाए तो सोच लेना, समझ लेना भी मेरा मोक्ष का रास्ता सही है, मैं सही ओर जा रहा हूं। और पांचवा है विचार। आज अपने दिमाग में इतने विचार चलते हैं क्या बताएं। कहते हैं आदमी भाषा से तो पहचाना जाता है, विचारों से ही आदमी की पहचान होती है। आदमी सोचता कुछ है और करता कुछ है। प्रश्न मंच के पश्चात उपस्थित विजेताओं को श्री विपिन जैन नावले वाले दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की ओर से पुरस्कार प्रदत्त किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के अध्यक्ष श्री विनोद जैन दिल्ली, महामंत्री मुकेश जैन सराफ मेरठ, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जैन गैस वाले मवाना, सह संयोजक मोतीलाल जैन लंदन, श्री प्रमोद जैन एडवोकेट प्रयागराज, श्री अतुल जैन बबलू मेरठ शहर, श्री जेसी जैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की, मुकेश जैन, मनोज जैन, राजीव, सुभाष, प्रेम जैन, विपिन शर्मा आदि का विशेष सहयोग रहा। कल के प्रश्न का सही उत्तर है डी, एक भी नहीं। विजेता रेखा बड़जात्या औरंगाबाद, एकांश जैन सहारनपुर, कोमल जैन जोधपुर। सांत्वना पुरस्कार आगम जैन मेरठ, जसराज जैन जोधपुर, प्रियांशी जैन बड़ौद। आज का प्रश्न, भूतकाल में 24 तीर्थंकर थे, भविष्य में कितने होंगे? ए 20, बी 24, सी 72, डी 108। उत्तर भेजने के लिए संपर्क करें। विजेता का नाम अगले दिन कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा।